गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल स्विमिंग प्लस रीना ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी हैं बहुत अच्छे। तो अभी है शाम का वक्त, शाम नहीं रात ही समझ लीजिए, रात का मतलब शाम का 7 बज रहा है ना, शाम ना रात, तो 7 बज रहा है। तो अभी ना पापा लेकर आए हैं चिकन और दोनों भाभी अपने मायके गई हुई है, तो अभी चिकन बनाने का ड्यूटी है मेरा। तो हम जा रहे हैं अभी चिकन बनाने और मम्मी बनाएगी रोटी। चावल देखिए इधर हम बैठा दिए हैं, इधर चावल मैं और बड़े भैया और रिशु, हम लोग 3 जन खाएंगे चावल और पापा और छोटे वाले भैया दोनों खाएंगे रोटी। तो अभी हम जा रहे हैं अपना अपने हाथों से आज चिकन बनाने। तो बहुत दिन के बाद पापा बोले कि आज बहुत दिन के बाद तुम्हारे हाथ का खाएंगे, तो चलिए चलते हैं। हम आज पहली बार यहाँ पे, पहली बार नहीं ऐसे तो बनाए हैं बहुत बार, लेकिन इस बार आने के बाद ना सिर्फ एक बार बनाए थे अंडा करी और उसके बाद हम नहीं बनाए थे। मतलब दोनों भाभी थी तो दोनों भाभी ही बनाती थी, कभी छोटी भाभी कभी बड़ी भाभी। तो अभी होली को लेके दोनों भाभी अपने मायके गई हुई हैं, तो हम चलते हैं, आज हम बनाते हैं चिकन। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और चिकन का पूरा प्रोसेस आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए चिकन बनता है हम लोग का पीछे तरफ। तो हम सब कुछ रेडी कर लिए, देखिए कढ़ाई वगैरह सब चढ़ा लिए हैं और चिकन वगैरह भी सब जो भी था सब धो लिए हैं और मसाला वगैरह भी सब पीस के रेडी कर लिए हैं। तो चलिए बनाते हैं, आप लोग को बैक कैमरा से दिखाते हैं। और दोनों बाबू, अभी एक बाबू टीवी देख रहा है और एक बाबू को मम्मी पकड़ी है। तो चलिए तेल मेरा गर्म हो गया है, तो बैक कैमरा से दिखाते हैं। मेरा यहाँ तेल गर्म हो गया ऑलरेडी और यहाँ पे हम सारा मसाला फ़ौरन जो भी है सब कुछ रेडी किए हैं। ये गर्म मसाला का पाउडर है और इधर हम फ़ौरन का ये सब है, प्याज है, तेज़पत्ता है, जीरा है और एक फूल जो आता है गर्म मसाला में वो है, और इधर देखिए ये है कस्तूरी मेथी पत्ता और प्याज, और इधर नमक ले लिए हैं, बाकी पिसा हुआ मसाला सब यहाँ पे लिए हैं। और इधर है 3 पाव चिकन, क्योंकि पापा भी शायद नहीं खाएंगे क्योंकि दिन में पार्टी था, तो जिसके कारण पापा खा के आए हुए हैं। तो पापा बोले कि मैं तुम लोग के लिए सिर्फ लाया हूँ, फिर भी पापा थोड़ा बहुत खाएंगे। तो पहले ये फूल वाला जो गर्म मसाला है इसको डालते हैं, उसके बाद जीरा, फिर तेज पत्ता और उसके बाद डालेंगे ये प्याज। अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो और जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। और हम हीटर को बहुत पहले ही ऑन कर दिए थे ताकि इसमें अच्छी तरह से ताव आ जाए, क्योंकि हीटर में एक बार अगर ताव आ जाए ना तो बहुत जल्दी बनता है। तो ये थोड़ा अच्छा से भुना जाता है, तो फिर चिकन डालेंगे, इसको ब्राउन होने तक वेट करते हैं। और इसी ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा ना, उसके बाद डालेंगे कस्तूरी मेथी पत्ता, क्योंकि यहाँ पे मसाले में हम पीसे हैं जीरा, गोलकी और लहसुन है, अदरक है, मिर्ची है, मिर्ची बहुत कम है। ये ऊपर से जो दिख रहा है ना मिर्ची का पाउडर, ये मिर्ची पाउडर नहीं है, ये तीखा लाल का जो पाउडर मिर्ची होता है, जो तीखा नहीं होता है, बस जो कश्मीरी लाल मिर्च बोलते हैं ना वही है। और प्याज है और आधा टमाटर कट करके डाले हैं। तो ये है मसाला और प्याज कम है ना, तो जल्दी ही यहाँ पे ब्राउन हो जाएगा। देखते हैं मम्मी के लिए क्या बनेगा, मम्मी तो खाती नहीं है, कोई वेजिटेरियन है। तो यहाँ पे देखिए हल्का ब्राउन हो गया है, तो यहीं पे भी हम ये डाल देते हैं कस्तूरी मेथी पत्ता। पहले हम कस्तूरी मेथी पत्ता ज़्यादातर चाइनीज़ आइटम में यूज़ करते थे, अंडा मीट मछली में बहुत कम, लेकिन एक दो बार ट्राई किए तो इसमें भी बहुत अच्छा लगने लगा, इसीलिए कस्तूरी मेथी पत्ता डालते हैं और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत अच्छा। थोड़ा सा और होगा, उसके बाद ये चिकन ऐड करेंगे, चिकन को उसके बाद अच्छा से भूनेंगे। तो इसको धो लिए हैं अच्छे से और सब बोन पीस है। तो देखिए यहाँ पे लाल हो गया है प्याज, तो अब सब चिकन को डाल देते हैं।
इसको अच्छी तरह से चला देते हैं और उसके बाद ढक के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे इसको पहले रेड होने तक, उसके बाद मसाला ऐड करेंगे। हाँ मैं मेरे टुंगरू महाशय को देखें, खाली बर्तन। हाँ मम्मी, एंड आप लोग यहाँ देख सकते हैं हम इधर मम्मी के लिए थोड़ा सा तड़का भी बना रहे हैं। तो हाँ, दो दो कर कभी चिकन जा रहे हैं बनाने, कभी इधर कुकर में मम्मी के लिए तड़का बना दे रहे हैं, क्योंकि सुबह का कुछ सब्जी है नहीं। तो सोचे कि मम्मी के लिए, और पापा भी बोल रहे थे चिकन नहीं के बराबर खाएंगे, थोड़ा बहुत टेस्ट, तो इसी के लिए पापा और मम्मी के लिए ये तड़का, अगर बच गया तो इसमें से सुबह में हो ही जाएगा। इधर देखिए मेरा अभी कढ़ाई में बैठा हुआ है चिकन, जो कि अभी पानी बहुत ढेर है, तो जब वो मतलब बहुत ज़्यादा है, तब तक के लिए मेरा इधर बन जाएगा तड़का, जो कि ये भी हो गया लगभग, बस पानी डालना है इसमें, ये भुंजा गया है। तो यहाँ देखिए मेरा तड़का भी हो गया, जब कुकर में सीटी लगता है तब तक हम इधर इसका काम कर लेते हैं। देखते हैं इसका हालत क्या है, देखिए अभी है ना, अभी और भी पानी इसमें सूखेगा, ये तो पूरा पानी सूख जाएगा, उसके बाद मसाला डालेंगे और मम्मी बनाएगी रोटी। मम्मी बोली हम बना देंगे रोटी, तुम बना लो चिकन। तो अभी चिकन का काम चल रहा है, अब मेरा बाबू भी रो नहीं रहा है, मतलब सोने के लिए वो पूरा तंग किया हुआ है, तो मम्मी उसको सुला रही है। तो यहाँ देखिए मेरा चिकन भुन जा रहा है, अभी पानी सूख गया है, थोड़ा सा और सूखेगा, और उधर तड़का का भी सीटी लग रहा है, तो ये पानी थोड़ा और सूखेगा और थोड़ा लाल होगा, उसके बाद डालेंगे इसमें मसाला। तो फ्रेंड देखिए अभी थोड़ा थोड़ा लाल हो गया है, अभी और थोड़ा लाल होगा, तो यहाँ देखिए अभी हम मसाला डाल दिए हैं, क्योंकि भुंजा गया था, तो अभी ये मसाला को अच्छी तरह से भुंजेंगे और अब पानी वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोग को रोटी में खाना है, मतलब मुझे तो चावल में खाना है, लेकिन पापा या छोटे भाई रोटी में खाएंगे, तो ज़्यादा भी ग्रेवी नहीं चाहिए। अब वो धीरे धीरे इसमें भुंजाएगा भी और सिझ भी जाएगा, वैसे तो सिझ ही गया था, और टमाटर भी जो था वो भी डाल दिए हैं, नमक वगैरह भी डाल दिए, हल्का पानी ये भुंजा जाएगा, तो आधा गिलास जितना पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, पहले ये भुंजा जाएगा, तो इसको ढक देते हैं। हाँ अभी देखिए मुझे और भुन जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा ये एवरेस्ट का गरम मसाला डाल दिया है, और देखिए यहाँ पे वैसे हमको एवरेस्ट का ही गरम मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी किसी भी चीज़ का नहीं, एवरेस्ट का ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये है एवरेस्ट का गरम मसाला, अभी डाल के इसमें भुन जाएगा, उसके बाद लास्ट में ये चिकन पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, देखिए अभी अभी ये और अच्छी तरह से भुन जाएगा। हाँ तो यहाँ पर देखिए मेरा चिकन बहुत मस्त भुंजा गया है, यहाँ पे भुंजा गया है मस्त, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये गर्म पानी है, जो कि यहाँ पे थोड़ा डाल रहे हैं, देखिए ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि दो जन चावल हैं, बाकी तो रोटी ही खाएंगे।
अभी थोड़ा खटकेगा तब डालेंगे चिकन पहले। और ये दिखने में कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप लोग रिशु के लिए आया है स्पेशल ये लेग पीस। ये मेरे यहाँ कितना मस्त चिकन अभी सीज गया है, गदागद सीज गया है। और अब डालेंगे हम ये चिकन का एवरेस्ट चिकन मसाला। इसको डालने के बाद हीटर बंद कर देंगे। यहाँ मेरा फाइनली ये बन गया और हम लोग को ऐसा ही चाहिए लगभग। क्या मैं वो पता नहीं। तो यहाँ मेरा बन गया चिकन, देखिए। मेरा चिकन बन के हो गया रेडी। अब जाते हैं हम हीटर ऑफ कर देते हैं और इसी में ये हो जाएगा, क्योंकि हीटर का ताव इतना है ना कि ये अभी और आधा घंटा तक इसका पावर रहेगा। यहाँ पे मम्मी का तड़का भी बन गया। इधर देखिए मेरा भात भी बन के रेडी हो गया है और अब हम इसको जाते हैं पसाने। भात भी हो गया है। भात भी हो गया, इसको पसा देते हैं। इधर हमारी मम्मी जी बना रही हैं रोटी। तो देखिए दो दो बहू को जाने के बाद सास बड़ी रसोई में एकदम मस्त अपना असली अवतार में आ गई है मम्मी। इधर देखिए तो मम्मी तो अभी मम्मी बना रही है फटाफट। कि हम रिशु बैठ गए हैं खाना खाने, क्योंकि बाबू सोया हुआ है अभी। तो रिशु का ले लिए हैं लेग पीस, बाकी मेरा 3 पीस और इधर चावल और रोटी दोनों, क्योंकि रिशु भी इसमें चावल खाएगा और हम भी खाएंगे। तो आज का खाना हम लोग का यही है। और तो फ्रेंड आज का ब्लॉग वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। तो चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट। और आप लोग भी आ जाइए ये चिकन का लेग पीस खाने। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।